हे गाइस, अभी मैं हूँ गोरेगांव स्टेशन पे और आज मैं जाने वाला हूँ पुणे। और पुणे जाने के लिए सीधा मुझे पहले जाना पड़ेगा दादर स्टेशन। दादर स्टेशन से मेरी ट्रेन है, तो चलो पहुँचते हैं दादर स्टेशन, फिर उसके बाद आगे मैं बताता हूँ कि कैसे जाने वाला हूँ और ये जर्नी में क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलो निकलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा तो ट्रेन छूट जाएगी। और ये रहा गोरेगांव रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर। और यहाँ से उस साइड में तो भीड़ थी, तो मैं इस साइड से टिकट ले लिया और उसके बाद सीधा पहुँचा मैं प्लेटफॉर्म पे। तो वैसे ही जैसे पहुँचा लोकल ट्रेन आ चुकी थी। तो ये चर्चगेट के लिए स्लो ट्रेन है, तो और ये ट्रेन पकड़ के मैं पहुँचूँगा सीधा दादर, और दादर से मेरी एक्सप्रेस ट्रेन है। ट्रेन में जितनी भी सीट थी सब फुल हो चुकी थी, वैसे मैं साइड में आगे खड़ा हो गया। और साइड में खड़े होकर जाने में ही लोकल ट्रेन का मज़ा आता है, तो मैं साइड में खड़े होकर अपना एंजॉय करते रहे हुए निकल गया गया। और मेरी ट्रेन 12:55 की दादर से है, तो बहुत मुश्किल है कि मैं पहुंच पाऊं। देखता हूं, कोशिश कर रहा हूं कि पहुंच जाऊं, नहीं तो छूट जानी है ट्रेन। स्टेशन तो मैं पहुंच गया हूं, लेकिन मेरी ट्रेन बस 2 मिनट में आने वाली है। अभी 12:53 हुआ है और 12:55 की मेरी ट्रेन है, तो जल्द से जल्द मुझे प्लेटफॉर्म पे पहुंचना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आएगी शायद से। और ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4, मेरी ट्रेन आने वाली है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर, तो मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। तो ये मेरा कोच है S2, इसके अंदर ही 48 नंबर सीट है, तो अंदर जाते हैं। ये चेन्नई एक्सप्रेस, चलो जल्दी, ज़्यादा देर नहीं रुकती यहाँ पे, 2 मिनट ही खाली रुकेगी गाड़ी और जल्दी ही बढ़ जाएगी आगे। चलो भाई जल्दी अंदर चलो। दादर स्टेशन पे, तो दादर स्टेशन से रेलवे ट्रेन निकल चुकी है और अभी मैं पहुंच गया हूँ शायद से थाने स्टेशन। तो थाने आ गया है और यहाँ पे ट्रेन स्लो हो गई है, तो आवाज़ भी थोड़ा ट्रेन की कम हो गई। और मैं जाने वाला हूँ आज पुणे, तो ये ट्रेन जाएगी चेन्नई एक्सप्रेस है, तो चेन्नई तक जाने वाली है और मैं जाऊँगा पुणे। तो ये मेरी पहली वीडियो है मेरे चैनल पे जो ट्रेन जर्नी से रिलेटेड है, तो ये वीडियो लास्ट तक बने रहना। और ये वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और क्या एक्सपीरियंस मेरे साथ हो रहा है मैं आपके साथ पूरा शेयर करूँगा, तो बने रहिए ये वीडियो के साथ। हाँ ये रहा 48, तो ये ऊपर वाली मेरी सीट है और अभी पहले नीचे ही बैठता हूँ, फिर बाद में ऊपर जाऊँगा। तो ये मैडम जी आ गई हैं, ये ले, ये ऐसे मैडम लोग मिल जाते हैं ट्रेन के अंदर, तो इनकी बात सुनना पड़ता है जो बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं छुट्टा मेरे पास है, जितना छुट्टा चाहिए उतना मिल जाएगा, लेकिन पैसा लेके ही जाएंगे। थोड़ा मैं रेस्ट कर लिया, वो बाहर जब अभी उठ के आया हूँ ना, तो गाड़ी तबियत के आगे आ चुकी है, आवाज चाय से टनल आ गया। ये टनल स्टार्ट होने वाला है यहाँ से और इसके बाद ही ना लोनावला और खंडाला घाट भी आ जाएगा। ये शायद से खंडाला घाट का ही एरिया आ जाता है और ये पूरी पहाड़ी के बीचों बीच से निकल जाती है। हाँ तो ये देखिए, ये टनल आ गया है, टनल के अंदर ट्रेन अंदर आ चुकी है। ये ब्रिटिश के टाइम का बनाया हुआ टनल है, आज भी वैसे ही मजबूत है जैसे पहले था। अब यहाँ पे अंधेरा हो गया है पूरा, दिखेगा बहुत कम। एक और टनल, पहाड़
पहाड़ को तोड़ तोड़ के बनाया गया है टनल। इसमें कोई सीमेंट और कोई ईंट बालू रेती का कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, ऐसे ही पत्थर को तोड़ के बनाया गया है। और अंदर काम भी चालू है, तो काम भी कर रहे हैं इसके अंदर। पहुंच गया अभी मैं लोनावला स्टेशन। लोनावला स्टेशन पे अभी आके रुकी है ट्रेन, और 2-3 मिनट रुकेगी, यहाँ से भी बढ़ जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं रुकती है यहाँ पे। और 12:55 पे दादर से छुट्टी थी, और अभी बज रहे हैं 3:17, तो 3:17 पे यहाँ पहुँची है। और 4:20 का कुछ टाइमिंग है पुणे का, तो देखते हैं राइट टाइम पे पहुँचाती है कि लेट होती है। इतने का है? 150 150 का? 2 और ये क्या? ये 60 का, 110 का। नाना आप लेगा, फेमस खाने का, फेमस खाने का दादा। तो ये मैंने ले लिया जेली चॉकलेट, यहाँ की फेमस होती है जेली चॉकलेट, चिक्की, ये सब ज़्यादा फेमस होती है। तो मैंने कहा एक डब्बा मैं भी ले लेता हूँ, तो अभी टेस्ट करूँगा कैसी है। तो अभी पहुँच गया हूँ मैं पुणे जंक्शन, और बहुत ही ज़्यादा डिले हो गई ट्रेन यार, आते आते बहुत ज़्यादा लेट कर दी। मुझे लगा था कि 4:15 का टाइमिंग है, तो 4:15 पहुंचा देंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा लेट हो गया। अभी जाके बच गए हैं कुछ 5:30, तो यार 1 घंटे से भी ज़्यादा डिले हो गई ट्रेन। अभी मैं फाइनली पहुंच गया, चलो जाने तो जो भी हुआ। और चेन्नई एक्सप्रेस थी, तो मुझे उम्मीद थी कि यार चेन्नई एक्सप्रेस के पास गाड़ी है तो शायद से जल्दी पहुँचा दे, लेकिन जल्दी नहीं पहुँचाई, उल्टा लेट हो गया 1 घंटे से ज़्यादा। तो चलो बाहर निकलते हैं, देखते हैं स्टेशन के बाहर। तो मैं बैक साइड से पीछे उतर के आ गया, ये साइड में ये जो एरिया है यहाँ पे जो पार्सल सामान लगेज वगैरह भेजते हैं, अब गाड़ी है या तो कोई भी सामान है, तो यहाँ से पूरा डिपार्टमेंट अलग है इसका, तो यहाँ से पूरा पार्सल होता है सामान। ये देखिए सब गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, ये सब पार्सल होने वाली है ट्रेन के अंदर जाके। आगे बाहर निकलता हूँ मैं। तो ये टैक्सी मिल गई है और आगे जा रहा हूँ मैं वड़गांव सेरी, ये टैक्सी से। ये पुणे स्टेशन है और आगे बढ़ते हैं। ओ तो टैक्सी में बैठ गया और मुझे जाहिद भाई मिल गए हैं, टैक्सी इनकी टैक्सी है, और मुझे ये ले जाके छोड़ेंगे वड़गांव सेरी में। शाम के 6 बज रहे हैं, तो सिटी एरिया है, यहाँ पे ट्रैफिक भी होने लगा। अभी ये देखिए भारी ट्रैफिक हो गया, शायद आगे ना मिले तो अच्छा है, नहीं तो 1 घंटा और लग जाएगा मुझे घर पहुँचने में, यहाँ पे जाने वाला हूँ मैं। मैं पुणे पहुंच गया और ये है बिल्डिंग, मेरी बहन का घर। अंदर जाते हैं, अभी मेरा भाजा मेरा वेट कर रहा होगा, और जैसे मुझे देखेगा ना कूद पड़ेगा मेरे ऊपर। मेरा काशु आ गया मेरे पास। काशु को मालूम नहीं था क्या? काशु आ रहा हूँ मैं। हाँ मालूम नहीं था क्या आपको? पूछ रहा है मेरे मामू कब आएंगे, मेरे मामू कब आने वाले हैं। आ गए काशी के पास। चलो घूमो, घूमेंगे आप, घूम लेंगे। तो ये वीडियो को यहाँ तक अगर देख लिया तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।